अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपके सामने, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने ट्रिपल लेयर केक बनाया है और ये केक जो है बहुत आसानी से इजीली बन जाता है पैन के अंदर। वन साइड जस्ट 4-5 मिनट्स वन लेयर को लगते हैं, 4 to 5 मिनट्स लगते हैं, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ईजीली जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा केक है। तो इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले मैंने ये 2 eggs ले लिए थे, 2 eggs लेके अच्छी तरह से उसको बीट करें। इसके अंदर मैंने 1/2 cup शुगर डाली है और 1/2 cup शुगर डालकर, ये जो मेयरिंग कप्स हैं ये बड़ी आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं, ये 1 cup, 1/2 cup and 1/4 cup, इसके जो ये 3 cup आपको नज़र आ रहे हैं ये इसकी मेयरमेंट है इस केक के अंदर। और ये अच्छे तरीके से इसको मिक्स, मेरी जो आज की सारी वीडियो है ना ये फास्ट फॉरवर्ड में है, तो मैंने सारी वीडियो, अगर मैं बहुत इजी आराम से चलती तो बहुत लंबी हो जानी थी वीडियो, दैट्स वाई मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड में रखी है वीडियो। ये 1/2 teaspoon वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस की वजह से इसके अंदर से एग्स की स्मेल ख़त्म हो जाती है। और ये 1/4 cup जो थर्ड वाला कप होता है ना, इसमें छोटे वाला थर्ड वाला कप, ये वो डाला है मैंने ऑयल का। तो जो 1 cup होता है सबसे बड़ा कप जो होता है मेयरिंग स्पून मेयरिंग्स कप में, वो फ्लोर का होता है, ये बड़ा 1 cup ये मैंने फ्लोर डाला था। इसका जो 1/2 cup था ये मैंने शुगर डाली थी, और उससे जो 1/4 cup ये थर्ड वाला जो है, और फिर इससे छोटा होता है ये मैंने ऑयल डाला था, और फिर इससे छोटा था वो नहीं यूज़ हुआ। तो ये मेयरिंग कप्स हैं और ये इसकी मेयरमेंट है, बड़ी आसान सी 1-2-3 करके। 1/2 teaspoon जो है बेकिंग पाउडर डाला है इसके अंदर, और ये आप सीव के अंदर इसको सिफ्ट कर लें, छान लें। मैदे को हमेशा जब भी केक के अंदर यूज़ करते हैं तो छान के यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ जो लम्ब्स आ जाते हैं बीच में। दूसरा, हम लोगों ने क्योंकि इसके अंदर एयर इन्फ्यूज़ करनी होती है, तो इस तरह से जो है जब इसको छाना जाता है तो इसके अंदर एयर आती है, जिसकी वजह से केक फ्लफी बनता है। अच्छा, ये 1/2 cup जो है मिल्क आप आराम आराम से ग्रेजुअली ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ मिक्स करते जाएं, साथ साथ मिल्क ऐड करते जाएं, और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली पोरिंग हो जाए तो ये बैटर रेडी है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसको। मैंने 3 parts में डिवाइड कर लिया और पैन ले लें, पैन के अंदर हम बेकिंग कर रहे हैं। यही बेकिंग आप ओवन में भी कर सकते हैं, और ओवन में तो एक साथ सारा बेक हो जाएगा, बट ये क्योंकि पैन केक है थोड़ा सा डिफरेंट केक है, दैट्स वाई 3 parts। आप 2 parts में भी इसको कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप 2 parts में कर लें, मैंने 3 parts में किया, आप 3 parts में कर लें। तो अगर इससे ज़्यादा छोटा पैन है तो आप 4 layers भी बना सकती हैं इसकी। 3 layers बहुत मज़े की लगती हैं, जब इसको कट किया जाता है ना तो बहुत खूबसूरत जो है ना उसकी शक्ल आती है। बेक करना है हम लोगों ने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, सिर्फ 1 minute के लिए, जो स्टार्ट में आप थोड़ा फ्लेम हाई रखें ताकि पैन गर्म हो जाए, उसके बाद जो है फ़ौरन से आप उसको स्लो फ्लेम, मैंने आपको दिखाई है कितनी स्लो है, बहुत स्लो फ्लेम ताकि नीचे से ना जल जाए, स्लो फ्लेम कर दें। इसको ढक के जो है 4 minute के लिए, 4 minutes में ये रेडी हो जाता है। 4 minutes to 5 minutes आपकी फ्लेम पे, आपके इवन पैन पे डिपेंड करेगा, पैन की कितना वो उसका जो मोटा है या पतला है, उसकी जो शीट है नीचे वाली कितनी मोटी है या कितनी पतली है, ये पैन पे डिपेंड करेगा, आपके फ्लेम पे डिपेंड करेगा। 4 to 5 minutes में ये 1 side रेडी हो जाती है, और ये मैंने 2nd layer भी कर ली थी, इसी तरह से मैंने 3rd layer भी कर ली थी। और अब जो है इसको आप ऐसे रखें और इसकी साइड्स, इसके जो एजेस हैं उसको कट कर लें, किसी भी राउंड बाउल लेके जितना राउंड केक आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको कट कर लें। कट करके कितनी खूबसूरत शेप आ जाती है। इस तरह से ये मैंने सारी लेयर, जब ये 2nd layer रखी, 2nd layer को कट कर लिया। और ये वाला जो केक है ना, जो बिगनर्स है ना, ये उनके लिए अच्छा। एक केक मैंने जो पहले आपको बताया था वो 7 spoons वाला केक, वो तो बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए था ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका मटेरियल ना ख़राब हो तो आप वो 7 spoon वाला केक ट्राई करें, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। अच्छा, मैंने इस दफ़ा जो क्रीम यूज़ किया वो मैंने डायरेक्ट थिक क्रीम ली थी, थिक क्रीम मिल जाती है इजीली बाज़ार से, मुझे नहीं पता पाकिस्तान से मिलती है या नहीं, बट यहाँ से तो ये वाली मैंने आपको दिखा दी है, तो ये वाली थिक क्रीम थी ऑलरेडी, इसको मुझे बीट नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ इसके अंदर शुगर और वनीला एसेंस डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसको जो है मैंने हल्का सा मिक्स किया, और फर्स्ट लेयर पर मैं इसको लगा रही हूँ।
आप दूसरी क्रीम भी ले सकते हैं। दूसरी क्रीम मैंने दो तीन वीडियोस में, वो मैंने एक कप केक के साथ करेक्टर केक मैंने बनाया था उसके अंदर भी मैंने व्हिप करना बताई हुई है, फिर एक मैंने बनी केक बताया था मैंने उसके अंदर भी व्हिप करना बताया हुआ है आपको केक क्रीम को किस तरह से व्हिप करते हैं, व्हिप्ड क्रीम व्हिपिंग क्रीम ले लें और उसको व्हिप कर लें। ये ऑलरेडी थी क्रीम थी, मैंने अपना टाइम सेव किया और मैंने ये वाली क्रीम ले ली और इसको मैंने सिर्फ शुगर और वनीला एसेंस डाल के टेस्ट दिया अपना और इसको मैंने बीट कर लिया। बाकी आगे आपकी मर्जी, डेकोरेशन जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, जौन सा भी कलर आप देना चाहते हैं। एक्चुअली मैंने जो केक बनाया वो थोड़ा सा डिज़ास्टर हो गया, जो भी मैं केक इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, ये वाली डेकोरेशन थोड़ी सी डिज़ास्टर हो गई थी, तो फिर उसको मैंने चेंज किया, चेंज करके मैंने दूसरी डेकोरेशन की। इसी वीडियो के अंदर टू डेकोरेशंस वाले केक हैं, एक ये वाली डेकोरेशन जो भी आपको नज़र आ रही है, दूसरी डेकोरेशन वो मैं फिर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी तो उसकी मैंने सिर्फ पिक्चर्स अपलोड की हैं। तो ये एक्चुअली मैं केक बना रही हूँ, ये मैंने टाइगर का फेस बनाया है बट वो सही वर्क नहीं किया, बाज़ दफ़ा काम ख़राब हो जाता है तो फिर भी मैंने अपलोड कर दी है। येलो कलर के ऊपर मैंने सारी आइसिंग करने के बाद उसको मैंने फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप इसको सारी कोटिंग करने के बाद फ्रिज में रखें, फ्रिज में से निकाल के उसके बाद इसके ऊपर जो डेकोरेशन आपने करनी है वो करें, अदरवाइज सारी क्रीम आपकी मेल्ट हो जाएगी। इसको ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, अब तो मौसम भी इतना चेंज हो रहा है जिसकी वजह से क्रीम बार बार मेल्ट होती है, तो आपको इसको बार बार फ्रिज में रखना है। ये एक टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका केक अच्छे तरीके से डेकोरेट हो। यहाँ पर आके काम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जो मैंने इसकी मूछें बनाई हैं इसने काम खराब कर दिया था। आप चाहें तो इस तरह से डेकोरेट कर लें, अदरवाइज़ जो मैंने दूसरी डेकोरेशन किया वो ट्राई कीजिएगा। मैंने फिर उसके बाद सारी ये ऊपर से उतार के तो मैंने दोबारा से डेकोरेट किया था, वो पिक्चर्स अभी आपको नज़र आएंगी। और मेरा केक आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज के लिए इतना ही, मेरी सेकेंड डेकोरेशन थी। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।